हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि हम हैं अभी अपनी टस्कनी रोड ट्रिप पे। ये है टस्कनी का वेल डॉर्शिया रीजन एंड लास्ट एपिसोड में हम थे मोंटी पुल्चियानो में एंड आज हम करेंगे ट्रैवल डीपर इनटू द रीजन एंड एक्सप्लोर करेंगे इस रीजन के पॉपुलर डेस्टिनेशंस लाइक पियेंजा, मोंटी कियेलो एंड विल ड्राइव थ्रू ला फोसे। सो स्टार्ट करते हैं ये एपिसोड एक ब्यूटीफुल टाउन से जो मोंटी पुल्चियानो की तरह अगेन बसा हुआ है एक हिल पर। ये टाउन भी एक ZTL जोन है जिसकी वजह से हमने किया कार को टाउन के बाहर पार्क एंड स्टार्ट किया बढ़ना सिटी सेंटर की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैं हूं अभी एक ब्यूटीफुल वॉल्ड टस्कन सिटी ऑफ पियेंजा में। ये सिटी एज यू कैन सी इज सराउंडेड बाय द ब्यूटीफुल टस्कन लैंडस्केप। सो अभी का प्लान हमारा ये है कि हम यही छोटी सी सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, फन करेंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे। सो चलिए हमारे साथ। सबसे पहले चलते हैं मार्केट स्क्वायर की तरफ जहां पर है यहां का पियेंजा डुओमो जो कि अपनी व्हाइट स्टोन की वजह से सनलाइट में ग्लो कर रहा है एंड हैज अ वेरी कामिंग अपील टू इट। ये चर्च मुझे लगा अ मिक्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स, कुछ गॉथिक एंड कुछ कुछ फ्लोरेंस के डुओमो जैसा। एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोप वॉज बॉर्न इन पियेंजा एंड उन्हीं पोप की वजह से 1400 में ये सिटी उनके विजन से रीमॉडल की गई थी इसको एक आइडियल सिटी बनाने के लिए। इनफैक्ट ये टाउन जैसा आप देख सकते हैं ये पहले भी ऐसा ही था। पियेंजा को टस्कनी का मोस्ट आइडियल सिटी भी कहा जाता है। एंड वाई नॉट, यहाँ की बिल्डिंग्स आर इन परफेक्ट हार्मनी विद ईच अदर, ऑलमोस्ट पिक्चर परफेक्ट अगर मैं कहूँ तो। मेन स्क्वायर से ही लगा हुआ है ये छोटा स्क्वायर जिसमें ये आउटडोर सीटिंग वाला रेस्टोरेंट हमें बड़ा अच्छा लगा, सो हमने डिसाइड किया टू टेक अ ब्रेक हियर। ये रेस्टोरेंट बहुत ही छोटा सा है बट इट इज इमेंसली पॉपुलर। कुछ टेबल्स अंदर भी लगी हुई हैं बट हमारा मन था बाहर बैठ के स्ट्रीट लाइफ को ऑब्जर्व करने का एंड लकीली हमें बाहर जगह मिल गई। सो पियेंजा घूमते घूमते हम आए ये छोटे से क्यूट से कैफे रेस्टोरेंट में। यहाँ पे घुसते साथ ही यहाँ के ओनर ने बोल दिया कि दे डोंट मेक पिज्जा एंड दे डोंट मेक पास्ता। सो हम लोगों ने अपने लिए ऑर्डर किया है ये एंटीपास्ती जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी बेसिक है बट इट लुक्स वेरी टेम्पटिंग and I'm sure कि it would be very delicious. So let's dig in. आज के हमारे फूड मेन्यू में थे कुछ लोकल डिशेज जैसे कि ये पैन जेनेला सैलड जो है ब्रेड एंड टमेटो से बना, ये वाइट बीन्स जिसमें सिर्फ कुछ हर्ब्स, ऑलिव ऑयल एंड अनियंस थे एंड ये ब्रूस्केटा की वेराइटी विद लोकल चीज एंड टमेटोज। खाना बहुत ही सिंपल दिख रहा था बट इसके फ्लेवर्स बहुत ही अमेजिंग थे। आई वुड से कि इसकी ब्यूटी थी इसकी सिंप्लिसिटी में एंड इसके फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के टेस्ट में। आई एम ग्लैड कि हमने ये लोकल फ्लेवर्स ट्राई किए। सो बाय फार ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इटालियन फूड है जो हम लोगों ने अभी तक ट्राई किया है एंड एज यू कैन सी हम लोगों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया एंड आई फील रियली हैप्पी राइट नाउ। आफ्टर लंच हमने स्ट्रोल करना शुरू किया पियेंजा की मेडिवल गलियों में।
द यूनिक थिंग अबाउट पियंजा इज कि एक मिनट आप विलेज के अंदर घूम रहे होते हैं, दूसरे ही पल आप पहुंच जाते हैं टू सच पॉइंट्स जहां से आपको वैली के इनक्रेडिबल व्यूज मिलते हैं। सो ये जो सिटी है इसमें और मोंटेपुल्चियानो में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है बाहर से, बट एक मेजर डिफरेंस जो हमें देखने को मिला वो ये था कि ये जो सिटी है ये अंदर से मोस्टली फ्लैट है। अगर आपने हमारा मोंटेपुल्चियानो वाला एपिसोड देखा होगा तो वहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि मोंटेपुल्चियानो में ऊपर नीचे बहुत उतरना और चढ़ना पड़ता है। इन नैरो स्ट्रीट्स में ये रस्टिक मेडिवल बिल्डिंग्स तो खुद ही बहुत चार्मिंग थी, बट ऑलमोस्ट हर घर के बाहर ये ब्यूटीफुल ग्रीनरी एंड फ्लावर्स इन बिल्डिंग्स का लुक और भी एनहांस कर रहे थे। सो मोंटेपुल्चियानो की तरह इस सिटी पियंजा का भी चार्म इसकी मेडिवल स्ट्रीट्स में ही है, बट कुछ तो डिफरेंस है यहाँ की स्ट्रीट्स में एंड मोंटेपुल्चियानो की स्ट्रीट्स में, एंड वो एविडेंट है यहाँ पे जो ग्रीनरी है उससे। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो शायद ही कोई कॉर्नर होगा इस सिटी का जो आपको ना पसंद आए। अगर आपको इन टाउन्स की ब्यूटी एंजॉय करनी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहां पे आए जस्ट बिफोर द मेन टूरिस्ट सीजन बिगिंस। दिन काफी सनी है एंड इस परफेक्ट वेदर में मैं जिलाटो कैसे मिस कर सकता हूँ। सो कम लेट्स गो एंड गेट सम जिलाटो। Lots of flavors and lots of choices, but मैंने ली अपने लिए caramel gelato and गलती से उसे अपने camera person को पकड़ा दी, and जब तक मैं बाहर आया मुझे ये आधी ही मिली। Amazing. Pienza is a complete package: medieval architecture, historic city center, charming streets, beautifully decorated houses, cafes, restaurants and amazing views. एंड अब टाइम है कि हम इन व्यूज को और करीब से देखें, सो चलिए हमारे साथ टू एक्सप्लोर द वेल्डोर्शिया रीजन। इटली फेमस है अपनी छोटी विंटेज कार्स एंड वेस्पास के लिए, एंड पियंजा से निकलते ही हमें मिली ये रेंटल प्लेस जहां से आप ये कार्स एंड वेस्पास रेंट कर सकते हैं। रेंटल प्राइसेस बहुत ही अट्रैक्टिव थे एंड रेंट का प्रोसीजर भी बहुत सिंपल था। मैं इस जगह का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो चलिए रिज्यूम करते हैं अपनी जर्नी एंड देखते हैं वेल्डोर्शिया के विनियार्ड्स, वीट फील्ड्स एंड सिप्रस ट्रीज। सो ये है वैल्डी ऑर्किया जिसका नाम मैं 100% गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, एंड ये एक फेमस टस्कन वैली है जो जानी जाती है अपने ब्यूटीफुल व्यूज़ के लिए, और हम लोग अभी इसी वैली के अंदर में घूम रहे हैं इन सर्च ऑफ अ नाइस व्यू। सो लेट्स सी व्हाट वी फाइंड। टस्कनी की सिटीज तो चार्मिंग हैं ही, बट यहाँ की ड्राइव भी थ्रिलिंग एंड सीनिक है एट द सेम टाइम। सो हम लोग जो स्पॉट ढूंढ रहे थे वो हमें फाइनली मिल गया है। सो लेट्स सी। पियंजा टस्कनी में एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है, क्योंकि यहाँ से इस टस्कनी की कई फेमस सिटीज शॉर्ट ड्राइविंग डिस्टेंस पे है, जैसे मोंटेपुल्चियानो, फ्लोरेंस, सियेना एंड मोंटेकिएलो जहाँ हम अभी जा रहे हैं। इनफैक्ट पियंजा एक अच्छा ऑप्शन है अपना बेस बनाने के लिए अगर आप टस्कनी रीजन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। Anyways, through multiple roads with lovely cypress trees, हमने करी अपनी जर्नी कंटिन्यू towards our next destination, and पहुंचकर हमने कार पार्क की outside the limited car zone.
सो हम पहुंच चुके हैं आज के सेकंड डेस्टिनेशन मोंटी केलो में, एंड मोंटी केलो ऑल्सो लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट बिकॉज अभी शाम हो चुकी है हम दिखाएंगे आपको मोंटी केलो एंड वेल्डे और क्या के कुछ हिडन जेम्स अगले एपिसोड में। आज हमने बस अपने बैग्स को कार पार्क से ले जाकर अपने एयरबीएनबी में रखा, जो कि इन इटसेल्फ लिटरली एक अपहिल टास्क था। एंड आज के लाइट लंच के बाद हम गए फॉर अ हार्टी डिनर, जहां इतने दिनों से पास्ता खाने के बाद मुझे यहां फाइनली खाने को मिला मेरा फेवरेट रोस्टेड पोर्क, जिसे देखकर मैं इतना खुश हुआ। एंड टेस्ट में भी इट वॉज डिलिशियस। So till the time we meet again, do take very good care of yourself and see you very, very soon.